सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर सुनाए निर्णय के बाद राज्य सरकार के विरोध में भाजपा आक्रामक हो गई है। भाजपा आगामी 26 जून को पूरे महाराष्ट्र में चक्काजाम आंदोलन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के स्थानिक स्वराज संस्था में ओबीसी आरक्षण के निर्णय के बाद महाराष्ट्र में राजकारण में भूचाल आया है। कई बैठकें चल रही है तो कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को निवेदन दिया जा रहा है, कई आंदोलन भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले मुंबई में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में भाजपा के सभी ओबीसी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 27 जून को महाराष्ट्र में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी पार्श्वभूमि पर बुधवार को भाजपा नेता व पूर्व राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने नागपुर में पत्रकार परिषद ली। इस पत्र परिषद को संबोधित करते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि आगामी 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज जयंती है। इसी दिन ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए साथ ही आगामी स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में चक्काजाम आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी बांधवांच्या विरोधी भूमिकेच्या विरुद्ध भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची मागणी घेऊन राजकीय आरक्षण टिकवण्याची या सरकारने त्वरित कृती करावी ही मागणी घेऊन व 19 जुलैला ज्या निवडणुका होऊ घातल्या आहे त्या निवडणुकीवर स्थगिती आणून जोपर्यंत ओबीसीचं राजकीय आरक्षण टिकवण्याच्या संदर्भात सरकार सुप्रीम कोर्टाकडून अनुकूल सकारात्मक निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेऊ नये ही मागणी घेऊन 26 जूनला महाराष्ट्रामध्ये 10:30 सरकारच्या या उदासीनतेविरुद्ध चक्काजाम करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टीने केला आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज नागपूर।